इंडियनिस्ट 28 जल्द लेकर आ रहा है देश प्रदेश की दिन भर की खबरें, तो देखते रहिए प्रतिदिन रात 8 बजे मेरे साथ से इंडियनिस्ट 28 पर खबरें दिन भर की। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों। बिहार के भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड सीमावर्ती क्षेत्र हाजीपुर द्यारा में शक्ति महायज्ञ सह भागवत कथा का आयोजन किया गया। ये यज्ञ 1 मई से प्रारंभ है तथा इसका समापन 9 मई को है। यज्ञ के प्रथम दिवस अग्नि मंथन पंचांग पूजन के साथ प्रारंभ हुआ, वहीं शाम के समय संध्या आरती में लोगों की भीड़ दिखती ही बनी। यज्ञ के बारे में त्यागी जी महाराज ने बताया कि यह उनका 141वां यज्ञ है। साथ ही बाबा ने बताया कि उनका संपूर्ण जीवन यज्ञ को समर्पित है। यज्ञ करने से संपूर्ण वातावरण के साथ साथ शारीरिक तथा मानसिक स्वच्छता प्रदान होता है। वहीं यज्ञ अनेक विद्वान पधारे हुए हैं। यज्ञ में मुख्य यजमान के रूप में तथा मौके पर होरल मंडल, देवकीनंदन मंडल, काशी मंडल, जंगली मंडल, अनिल कुमार, श्रीलाल मंडल आदि उपस्थित रहे। भागलपुर संवाददाता सौरभ कुमार दुबे की रिपोर्ट। बाबा, यहाँ जो यज्ञ हो रहा है उसके बारे में बताएं। ये नौकुंडी शक्ति महायज्ञ है जो कि 141 नंबर का यज्ञ। हम इंटरनेशनल भिखारी त्यागी बाबा वाराणसी से, आज ये ओझा टोली बाबूपुर के समलक्ष 141 नंबर नौकुंडी शक्ति महायज्ञ का भव्य आयोजन जो कल कलश यात्रा हुआ, आज यज्ञ शुभारंभ अरणि मंथन के साथ की जाएगी। और हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा भूमि न रह जाए जो कि यज्ञ से बाकी रह जाए, क्योंकि यज्ञ से ही एक हम विश्व को शांति कर सकते हैं। राम बाबा आए हो, भिखारी बा त्यागी बा यज्ञ किए यहाँ। हम लोग तन मन से सारा लोग यहाँ समाज लगल हैं जी, यज्ञ के हमारा सही ढंग से हो जाए। आप लोग भी आइए, सारा लोग भी आवे हमें। जनमाने से क्या बोलेंगे स्थानीय यहाँ के लोगों से, और इसके अलावा जो भी आस पड़ोस के क्षेत्र हैं उनसे क्या अनुरोध करेंगे आप यज्ञ के बारे में? सब लोग आवे यज्ञ में, सब लोग भाग लें, परिक्रमा करें, भाग लें, पंचकर्मा करें। हम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, हमारा परिचय है अजय पांडे पराशर जी महाराज, काशी वाराणसी अयोध्या। अच्छा, यज्ञ के बारे में बताए बाबा। यज्ञ जो है हमारे जीवन को सुधारने का एक सहारा है, जिससे हमारे वायुमंडल जो है वो दूषित होने से बचता है। यज्ञ से हमारे देवता, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। जो कि देवता लोग प्रसन्न होते हैं तो वृष्टि होती है, और वृष्टि होती है तो उससे अन्न होता है, अन्न से हम लोग हैं। इसलिए यज्ञ हमारे जीवन में अति आवश्यक है। इसलिए यज्ञ के महत्व के बारे में कुछ बताएं। पहले हम अपना परिचय के साथ यज्ञ के भी महत्व बताएंगे। मैं पंडित आचार्य हरेंद्र शास्त्री वाराणसी, इस भागलपुर चाहे झारखंड प्रांत के उपलक्ष्य में साहेबगंज बाबूपुर में नौकुंडीय शक्ति महायज्ञ जो हो रहा है हमारे इंटरनेशनल भिखारी त्यागी बाबा के उपलक्ष्य में। इस यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवता को वास होता है, आवाहन किया जाता है। इसमें महत्व यज्ञ का महत्व है परिक्रमा। कहा गया है शास्त्रों में कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। यानी आप जितने पग इस जग नारायण भगवान में प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा करेंगे तो जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाता है।